पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के MIT द्वारा बिना नोटिस दिए 2 दर्जन स्थायी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के प्रकरण ने तूल पकड़ लिया है। सभी कर्मचारी कॉलेज के गेट पर धरना देकर बैठ गए हैं। इन सबको ये कहकर हटा दिया गया कि अब कॉलेज प्रबंधन को उनकी जरूरत नहीं है, जिसके बाद से कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा किए गए तानाशाही फैसले के खिलाफ कर्मचारी यूनियन ने CO सिविल लाइन कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस से गुहार लगाई कि उनके साथ किए गए तानाशाही रवैये की रिपोर्ट आला अधिकारियों तक पहुंचाई जाए। इसके बाद सभी कर्मचारी न्याय की गुहार लगाने के लिए जिला अधिकारी आवास भी पहुँच गए। वहाँ पर जाकर भी एक ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांग की गई, उनके साथ न्याय होना चाहिए। पीड़ित कर्मचारियों ने बताया कि शनिवार की देर रात 10 बजे 2 दर्जन कर्मचारियों को मेल पर कॉलेज प्रबंधन ने टर्मिनेशन लेटर भेज दिया, न इससे पहले कोई नोटिस दिया गया। इनमें से अधिकतर कर्मचारी 10-15 वर्षों से स्थायी तौर पर नौकरी कर रहे थे। अब उनके सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उन सब के परिवार हैं। इतने परिवारों के सामने आई परेशानी पर जब कॉलेज प्रबंधन से बात की गई तो कॉलेज मैनेजमेंट ने कैमरे पर बात करने से मना कर दिया। शर्मा जी, क्या समस्या है? हमारी समस्या यह है, हम लोग जो है यहाँ पे MIT में कार्यरत सभी कर्मचारी टेक्निकल और हम सब जब जितने भी स्टाफ है सब 20-20 साल से लगभग काम करते हुए और MIT प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के सबको जो है ईमेल द्वारा जो है बर्खास्त कर दिया गया। 5 तारीख की रात को 10 बजे ईमेल आया है कि आप लोगों को आपकी सर्विस से ख़त्म कर दिया जाता है और आगे को आपको आने की जरूरत नहीं है, जिसमें सभी लोग 20-20 साल से लगभग काम करते हो रहे हैं। और हमारी मांग यही है कि MIT प्रशासन इस पर विचार करे और सभी कर्मचारी को या तो अंदर ले या सभी को बाहर कर दे और कॉलेज बंद कर दे। नौ से तो लास्ट सेशन करके 0 सेशन करके 1 ड्यूज है और कॉलेज को बंद कर दे। और सैलरी भी बता दो कितनी है? और सैलरी 4 साल से कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, कुछ नहीं है। 5 साल 2000 नौकरी, 5 साल जो है इन लोगों को सबको शुरू में 2000 रुपये में नौकरी कराई और जो है इन्होंने इसके बाद UP गवर्नमेंट का नॉर्म्स के अकॉर्डिंग स्केल दिया, लेकिन पिछले चार साल से एक भी इंक्रीमेंट नहीं लगा, 1 रुपया नहीं बढ़ा किसी की सैलरी में। DLC में हमारा केस जो चल रहा है वहाँ बिचार दी ने और वहाँ पे भी जो है 8 तारीख की डेट दी है उसके लिए मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही ये जो है अमानवीय कार्रवाई करके सभी को जो है सड़क पर ला दिया। परिवार को सब जो है अपनी जो है स्थिति बहुत गंभीर है, कोई भी जो है DLC में जो है चल गया 3 साल से केस चल गया पिछले।